ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों दोस्तों यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है पैसा खर्च हो जाता है, तो इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया लगने वाला है, लेकिन इसे भारत में नहीं देखा जा सकता। इस कारण से भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस ग्रहण के समय पर यदि कुछ उपाय किए जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकता है, अपने भाग्य को उदय कर सकता है। इस बार होली पर खास योग बन रहा है। कहा जा रहा है कि होली पर 100 साल के बाद चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। इसे भारत में नहीं देखा जा सकता, लेकिन अधिकांश हिस्सों में इसको देखा जा सकता है। 100 साल के बाद आपको ये मौका मिल रहा है, तो होली पर जब चंद्रग्रहण लगेगा उस समय यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। कहा जाता है ग्रहण के समय यदि चंद्रदेव की पूजा की जाए, चंद्रदेव के मंत्रों का जाप किया जाए, उनको जल अर्पित किया जाए, तो ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। चंद्रदेवता की पूजा करते समय उनके मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेवता की पूजा करनी है और उनको दूध अर्पित करना है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरीके से व्यक्ति के जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं, व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। कहते हैं चंद्रग्रहण के समय दान का महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। जिस समय चंद्रग्रहण लग रहा है तो उस समय आप चंद्रमा से जुड़ी कुछ चीज़ों का दान ज़रूर करें। इन चीज़ों का दान शुभ माना जाता है। चंद्रग्रहण के समय आप सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, दूध है, चावल है, सफ़ेद वस्तुएं हैं, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों के दान करने से जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही होली का दहन के भी आपको छुपाए कारागार माने जाते हैं। यदि आपके कार्य में किसी भी तरह की बाधा आती है, उन बाधाओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसको दूर करना चाहते हैं, आप नौकरी करते हैं, नौकरी में किसी तरीके की बाधा आ रही है, तो जब होली जलती है, होलिका दहन के समय पर आपको अपने सर से 21 बार नारियल को उतारना है और उसे होलिका के आग में आपको डाल देना है। इन उपाय को करने से जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है, आपके कार्यों में किसी तरीके की बाधा आती है, आपकी नौकरी में बाधा आती है, ये सभी आपकी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। यदि आप जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, घर में धन की बरकत नहीं होती है, तो होली की शाम जब आप अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा करें उस समय आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो धन दाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में बरकत होगी। होली पर चंद्रग्रहण का योग बन रहा है, तो ऐसे में सोमवार का दिन है और शिव जी की उपासना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है होली के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार बनाकर जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जो भी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। लेकिन जब आप जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा का ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, और जल हमेशा शिवलिंग पर बैठकर अर्पित किया जाता है, कभी भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल अर्पित ना करें। अगर आपकी शादी में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है, आप शादीशुदा हैं, जीवन में किसी तरह की परेशानी है, आपके घर में कलह कलेश रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो होली का दहन के दौरान आप उसकी परिक्रमा करिए और उसमें थोड़ी सी हवन सामग्री ज़रूर अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बनते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है, आपके जो घर में कलह कलेश होता है वो खत्म हो जाता है। ये छोटे छोटे से उपाय ऐसे हैं। यदि आपके घर में दोस्तों किसी को बीमारी है, बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो होली का जब जलती है उस समय उसमें थोड़ा सा कपूर और हरी इलायची ज़रूर डालें। माना जाता है इस उपाय को करने से इंसान को अपनी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। होली के समय जब गेहूं की फसल आ जाती है तो होली पर गेहूं की बालों को भी जलाना, या चने के बहुत से लोग जलाते हैं, इन बालों को भी जलाकर लाना अपने घर में शुभ माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो होली की रात आपको एक छोटा सा उपाय करना है। जब होली जलती है उस समय पर आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है, छोटी सी। अगर चांदी की डिब्बी नहीं है तो आपके पास जैसी भी डिब्बी है उस डिब्बी को ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी आपको काली हल्दी लेनी है, नागकेसर लेना है और सिंदूर, इन सबको साथ में रखना है। और आपको ये जो जब होली की हम पूजा करते हैं, इस डिब्बी को आपको साथ में रखना है और आपको 5 बार परिक्रमा होली की करनी है, और इसके बाद होली को इस डिब्बी से स्पर्श करवाकर इस डिब्बी को जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर रख दीजिए, आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। होली के ये उपाय बहुत ही कारागार माने जाते हैं और ये उपाय आपको शाम के समय करना है। इसके अलावा यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस उपाय को करना ना भूलें। आप जब शाम के समय होली जलती है तो आपको एक पान का पत्ता लेना है, एक उस पर थोड़ा सा आपको कपूर रखना है, थोड़ी सी हवन सामग्री रखनी है, साथ ही एक लौंग का जोड़ा, उस लौंग के जोड़े को आपको देसी घी में डुबोना है, और आपको बतासे, एक बतासा या दो बताशे आप रख सकते हैं, और दूसरा पान का पत्ता लेकर उस पत्ते से ढक लेना है। अब आप होली की 7 परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, 7 परिक्रमा कम से कम आपको करनी है,
परिक्रमा पूरी होने पर ये जो सामग्री है आपकी, पान, दोनों पान हैं, लौंग है, कपूर है और हवन सामग्री बतासे, इन सबको आपको होलिका में वहाँ पर अर्पित करना है और पूजन करने के बाद में प्रणाम करके वापस आपको अपने घर आना है। इन उपाय को करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कने से, साथ ही दो बाती वाला दिया प्रज्वलित करने से व्यक्ति को धन की हानि नहीं होती। जब यह दिया बुझ जाए तो इसे श्रद्धापूर्वक होली की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन की हानि से बचाव होता है, धन आगमन के रास्ते व्यक्ति के खुलने लगते हैं। होली के दिन भगवान हनुमान की पूजा की जाती है, तो कहा जाता है होलिका दहन के दिन आपको हनुमान के मंदिर में जाना है और उनको सिंदूर का चोला अर्पित करना है। चोला चढ़ाने के बाद गुलाब के फूल की एक माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है और इस माला में से एक फूल को तोड़कर आपको अपने घर लेकर आना है और साथ ही इस फूल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर इस फूल को रख दीजिए। इस उपाय को करने से कभी भी आपको घर में धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। होली से पहले का समय होलाष्टक का होता है। कहा जाता है इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन दोस्तों यदि इन दिनों में आप कोई उपाय करते हैं तो ये उपाय आपके घर में धन की बारिश करवा सकते हैं। कहा जाता है होली से एक दिन पहले, यानी कि होलिका दहन से एक दिन पहले ये काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। होली 24 मार्च रविवार की है, तो ये उपाय आपको शनिवार को करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये उपाय आपको पीली सरसों से करना है। आप किसी भी दुकान से आधा किलो 250 ग्राम पीली सरसों ले आइए और होलिका से एक दिन पहले आपको इस पीली सरसों से अपने घर में हवन करना है। ये शुभ काम करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, व्यक्ति की किस्मत चमकने लगती है, माँ लक्ष्मी का वरदान इंसान को प्राप्त होता है। कहते हैं दिवाली की तरह यदि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बस आपको पीली सरसों से अपने घर में हवन करना है। ये हवन इतना कारागार होता है कि होलिका दहन से एक दिन पहले जब आप इस उपाय को अपने घर में करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की बारिश करवा सकती है। लेकिन दोस्तों ये उपाय आपको होलाष्टक के समय यानी कि होली से एक दिन पहले करना है। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि के दरवाजे खोल देगा, आपका भाग्य उदय करेगा। ये सब मुमकिन होता है केवल इस पीली सरसों के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी, ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।